यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, फरुखाबाद में भी ज्ञान बापी जैसा मामला सामने आया है। कोर्ट पहुंचा मकबरे में शिव मंदिर होने का दावा। फरुखाबाद में भी वाराणसी के ज्ञान बापी जैसा मामला प्रकाश में आया है और दावा किया जा रहा है कि मकबरे में शिव मंदिर है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने अधिवक्ता डॉक्टर दीपक द्विवेदी के द्वारा जिला अधिकारी को प्रतिवादी बनाकर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने अमीन कमीशन को अपनी आख्या देने के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने अमीन कमीशन को अपनी आख्या देने के आदेश जारी करने के बाद अमीन कमीशन ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल भी की है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि कायमगंज के गांव मऊ रसीदाबाद में मुगलकालीन रसीद मियां का प्राचीन रौजा स्थित है, जो सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी किया गया है। कई वर्ष पहले पुरातत्व विभाग की ओर से जीर्णोद्धार भी कराया गया था, लेकिन प्रदीप सक्सेना ने इस मकबरे को प्राचीन गंगेश्वरनाथ शिव मंदिर होने का दावा किया है। प्रदीप सक्सेना का दावा है कि कथित मकबरे में लगभग 25 हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं और प्रदीप ने मकबरा की खुदाई कराकर सही वस्तु स्थिति का आकलन कर गंगेश्वरनाथ मंदिर सौंपे जाने की भी गुहार लगाई है। आइए आगे आपको सुनाते हैं कि प्रदीप सक्सेना इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी टीवी। हमने एक याचिका डाली, किसको लेकर? रसीदाबाद गंगेश्वरनाथ महादेव वहाँ पर था और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर और मंदिर के ऊपर मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहां से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्घे के ऊपर एक रसीद मियां है, उनकी कब्र बना दी गई, जो बताया जाता है कि ये शमशाबाद नवाब थे, उनकी कब्र बना दी गई और उस पर मुगल शासन में कब्जा कर लिया गया था, जिसका हमने मुकदमा एक याचिका वहाँ पर न्यायालय सिविल जज फतेहगढ़ में डाल रखा था। उसका आज न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर अमीन सर्वे होने आया था कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब हिंदू चिन्ह हैं, नाग बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं और अर्घा जो बना होता है शिवलिंग का, जो जल चढ़ाया जाता है बाहर जल निकलने का, वो अर्घा भी उसकी प्रणाली भी दिखाई गई, आज हमने सब वहाँ पर दिखाया है वहाँ पर और सब वहाँ पर सर्वे होके गया है, ये उसी का सर्वे आया था आज।